नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिलाध्यक्ष एवं सहारनपुर मंडल प्रभारी मोहम्मद शाह आलम संगठन पदाधिकारियों के साथ किसानों के गन्ने की समस्या, बढ़ती महंगाई एवं मत्स्य विभाग की भ्रष्टाचारी आदि विभिन्न मांगों को लेकर प्रयागराज पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री के रूप में डॉक्टर संजय निषाद को मत्स्य विभाग में बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ओर से सौंपी गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज के सिंगवेरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद पहुंचने वाले हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। जहां भारतीय किसान यूनियन अम्बावता एक विशेष मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ना पैदावार एवं भुगतान इत्यादि में होने वाली परेशानियों एवं लगातार किसान मजदूर की कमर तोड़ रही महंगाई को लेकर एवं मत्स्य विभाग की विभिन्न मांगों के साथ मछुआ समुदाय के हित में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद से उत्तर प्रदेश राज्य के तालाबों की सफाई के साथ तालाबों पर असली हक अधिकार वाले लोगों के अधिकारों एवं तालाबों की भूमि पर अवैध कब्जों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपेगी। हम मुजफ्फरनगर से यहाँ पूरी टीम के साथ इसीलिए आए हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार दोबारा से आई है और हमारे यहाँ जो है मत्स्य विभाग को लेकर जो है काफ़ी परेशानियों का सामना किया हम लोगों ने। तो अपने जनपद की बहुत सारी समस्याएं हैं। मत्स्य विभाग के जो हमारे कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं संजय निषाद जी, हम उन्हीं को एक ज्ञापन देने आए हैं मत्स्य विभाग की समस्याओं को लेकर। और हमें यहाँ जानकारी मिल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ सकते हैं, तो एक ज्ञापन उनके लिए भी हम अपने प्रदेश के किसानों के लिए लेकर आए। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जी को जो आप ज्ञापन देने वाले हैं मछुआ समुदाय के हितों में, किस तरीके की मांग भागी अम्बावता कर रही है? मांग ये है कि जैसे तालाब हैं गाँव में बस्तियों में अवैध रूप से लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। एक तो तालाब जो सभी जो तालाब हैं अवैध कब्जा मुक्त कराने हैं और उनकी घेराबंदी करानी है और उनकी सफाई करानी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी की मांग है हमारी, एमएसपी का कानून को लेकर है, गन्ने का रेट है, गन्ने का भुगतान है और महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो ये इन सब मांगों को लेकर जो है पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की प्रयागराज पहुंच चुकी है और जैसे भी वाक्य मार्गदर्शन होगा उसी हिसाब से काम करेगी।